अय्यूब 16वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं, तुम सब के सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। क्या लोगों बातें कभी खत्म होंगी? तू कौन सी बात से झिड़क कर जवाब देता है? मैं भी तुम्हारी तरह बात बना सकता हूं। अगर तुम्हारी जान मेरी जान की जगह होती तो मैं तुम्हारे खिलाफ बातें घड़ सकता और तुम पर अपना सिर हिला सकता, बल्कि मैं अपनी जुबान से तुम्हें तकवीयत देता और मेरे लबों की गमगुसारी तुमको तसल्ली देती। अगरचे मैं बोलता हूं पर मुझको तसल्ली नहीं होती, और गो चुपका भी हो जाता हूं पर मुझे क्या राहत होती है? पर उसने तो मुझे बेजार कर डाला, तूने मेरे सारे जत्थे को तबाह कर दिया, तूने मुझे मजबूती से पकड़ लिया है, यही मुझ पर गवाह है। मेरी लागरी मेरे खिलाफ खड़ी होकर मेरे मुंह पर गवाही देती है। उसने अपने गजब में मुझे फाड़ा और मेरा पीछा किया है, उसने मुझ पर दांत पीसे, मेरा मुखालिफ मुझे आंखें दिखाता है, उन्होंने मुझ पर मुंह पिसारा है, उन्होंने तंजन मुझे गाल पर मारा है। वो मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं, खुदा मुझे बेदीनों के हवाला करता है और शरीरों के हाथ में मुझे सपुर्द करता है। मैं आराम से था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला, उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा कर लिया है। उसके तीर अंदाज मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं, वो मेरे गुर्दों को चीरता है और रहम नहीं करता, और मेरे पथ को जमीन पर बहा देता है, वो मुझे जख्म पर जख्म लगाकर खस्ता करता है, वो पहलवान की तरह मुझ पर धावा करता है, मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सींग खाक में रख दिया है, मेरा मुंह रोते रोते सूज गया है और मेरी पलकों पर मौत का साया है। अगरचे मेरे हाथों में जुल्म नहीं और मेरी दुआ बेरिया है, ऐ जमीन मेरे खून को ना ढकना और मेरी फरियाद को आराम की जगह ना मिले। अब भी देख, मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा जामिन आलमे बाला पर है। मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हजूर आंसू बहाती है, ताकि वो आदमी के हक को अपने साथ और आदमजाद के हक को उसके पड़ोसी के साथ कायम रखे। क्योंकि जब चंद साल निकल जाएंगे तो मैं उस रास्ता से चला जाऊंगा जिससे फिर लौटने का नहीं।